सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। लातेहार जिले के बरवाड़ी बस स्टैंड पर जिला सांसद प्रतिनिधि सह भाजपा जिला महामंत्री जयवर्धन सिंह की शाम को अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। यह घटना शाम के करीब 7:30 बजे के आसपास की है। बस स्टैंड के पास स्थित प्रज्ञा केंद्र के सामने वह बैठे हुए थे। प्रज्ञा केंद्र संचालक ने बताया कि उन्हें आकर बैठे कुछ ही देर हुए थे कि पीछे से दो अपराधी आए व पीठ में गर्दन के पास गोली सटाकर मार दी, जिससे वह वहीं गिर गए। गोली मारने के बाद अपराधी फायरिंग करते हुए बस स्टैंड से होते बाजार के मुख्य सड़कों से भाग निकले। लोगों ने अपराधियों का पीछा भी किया, लेकिन दोनों अपराधी पैदल ही फरार हो गए। बरवाड़ी डीएसपी अमरनाथ, पुलिस इंस्पेक्टर उदय प्रताप सिंह दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर अपराधियों के बारे में जानकारी ली। साथ ही अपराधियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी अभियान शुरू कर दिया है। ज्ञात हो कि बरवाड़ी बस स्टैंड प्रज्ञा केंद्र के पास भाजपा नेता जयवर्धन सिंह थोड़ी देर पहले आकर कुर्सी पर बैठे थे। इससे पहले वह बस स्टैंड स्थित पान दुकान के पास थे। अपनी स्कॉर्पियो से आकर जैसे ही प्रज्ञा केंद्र के पास बैठे, घात लगाए दो अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी। घटना के बाद पुलिस हत्या के प्रयोग में लाया गया हथियार सोमवार की सुबह बरामद कर लिया। पुलिस टीम ने अपराधियों द्वारा फेंकी गई पिस्तौल प्रखंड के बाजार क्षेत्र में एक निजी परिसर से बरामद की। इस परिसर में पहले एक निजी अस्पताल का संचालन किया जाता था। बता दें कि दो अज्ञात अपराधियों ने जयवर्धन सिंह की रविवार की शाम गोली मारकर हत्या कर दी थी, जब वे रविवार के बस स्टैंड के पास नित्य दिन की भांति बैठे थे। बाद में अपराधी पैदल ही भाग निकले। बरवाड़ी एसडीपीओ अमरनाथ ने कहा कि पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त पिस्तौल बरामद कर ली है। अपराधियों ने भागते समय इसे फेंक दिया था। उन्होंने आगे कहा कि कई बिंदुओं पर जांच चल रही है, हालांकि उन्होंने इस विषय में ज्यादा जानकारी देने से मना कर दिया। विश्वास सूत्रों की बात माने तो पुलिस जेल में बंद हत्या के एक आरोपी की भाजपा नेता से कथित दुश्मनी के एंगल को भी ध्यान में रखकर जांच कर रही है। इसी बीच सोमवार को इस हत्याकांड के विरोध में बरवाड़ी बाजार के लोगों ने स्वतः अपनी दुकानें बंद रखी और पूरे बाजार क्षेत्र में सन्नाटा छाया रहा। गौरतलब है कि लातेहार के भाजपा के वरिष्ठ नेता जयवर्धन सिंह की हत्या के बाद लोगों में काफी गुस्सा है और लोगों में कई सवाल को भी जन्म देता है। वहीं इस घटना के बाद बरवाड़ी बाजार पूरी तरह बंद है और लोग काफी गुस्सा में हैं। साथ ही भाजपा के जिला अध्यक्ष और पूर्व विधायक हरे कृष्णा ने कहा कि यह हत्या भाजपा के लिए बड़ी क्षति है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिला पुलिस प्रशासन 24 घंटे में अपराधियों को गिरफ्तार नहीं करती है, तो इंसाफ के लिए सड़क पर उतर कर विरोध किया जाएगा। वहीं भाजपा नेता प्रेम सिंह ने कहा कि आज की सरकार जंगल राज को बढ़ावा दे रही है। थाना से महज 10 मीटर की दूरी पर अपराधी हत्या की घटना को अंजाम दिया है, जिससे साफ पता चलता है कि इस हत्या के पीछे कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश है। वहीं चुनाव के दौरान पुलिस प्रशासन ने इनके हथियार थाना में जब्त की थी, लेकिन चुनाव के बाद भी हथियार नहीं दी, यह एक बड़ा सवाल है। पुलिस इस हत्याकांड से 24 घंटे के अंदर अपराधी को गिरफ्तार करे। कि पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से अपराधियों ने हमारे क्षेत्र के जनप्रिय नेता और जिले के महामंत्री जयवर्धन सिंह जी की निर्मम हत्या की है। मिलीभगत से हत्या की गई है और भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश को समय कहना चाहते हैं कि अविलंब हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो झारखंड का एक एक कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में रोड उतरने का काम करेगा और इस जो निकम्मी सरकार है, गूंगी सरकार है, बहरी सरकार है, उसको बर्खास्त करने का मांग हम लोग माननीय राष्ट्रपति जी से और राज्यपाल से करेंगे। कि जब से ये झारखंड मुक्ति मोर्चा यूपीए की सरकार हुई है, तब से इस राज्य के अंदर अराजकताएं फैल गई है। आप देखते होंगे जहां भी प्रदेश के अंदर सभी जगह इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं और खास करके यहां कल जो घटना हुई, इसमें स्पष्ट है कि यहाँ के जो है पुलिस प्रशासन, यानी स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि थानेदार, थाना प्रभारी, कहीं ना कहीं इस हत्या में उनकी भूमिका रही रही है, ऐसा प्रतीत होता है। इसलिए कि पिछले कई दिनों से
इनके जो अपने सुरक्षा के लिए जो आर्म्स लिए हुए थे उनको बार बार रिलीव करने की बात कर रहे थे, इसके बावजूद ये नकेन प्रकारेन वो जो है उसको रिलीव नहीं किया। 10 तरह का जो है अपना बहानाबाजी या तो कई तरह के जो प्रोपगंडा लगा करके कई केस फौजदारी का विषय देखते हुए वो नहीं रिलीव किया। और जो कल घटना हुई इसके उस समय भी इनको तुरंत सूचना दिया गया, उस घटना स्थल पर उन्होंने आया इसके बावजूद लोगों के रोकने पर भी नहीं रुका। जैसा जानकारी है कि अपराधियों ने तुरंत वहां से हत्या करने के बाद में पास की ही झाड़ी में छुपे हुए थे, चूंकि वो चौराहे का जगह है, उधर लोग आते जाते हैं, किसी ना किसी के नजर में वो जरूर रहा होगा, इसलिए झाड़ी में छिप गया और चारों तरफ से घिर ही गया था। अगर तुरंत में वो पुलिस के प्रशासन वहां पर इन सारी चीजों को घेर करके पकड़ता तो अपराधी पकड़ा सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग इस हत्या में षड्यंत्रकारी के रूप में भूमिका निभाया है। हत्या कोई किया होगा लेकिन उस हत्या में षड्यंत्रकारी के रूप में है। इससे स्पष्ट होता है कि ये झारखंड सरकार ही और उसके पूरे प्रशासन, मतलब पुलिस प्रशासन या बाकी जो उनके तंत्र हैं,